वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द ब्राइड वन मूवी एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये एक अमेरिकन सुपर हीरो हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को डेविड यारोस्की ने डायरेक्ट किया है। ब्राइड वन मूवी को IMDb पर 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 पॉइंट्स मिले हैं और रोटेन टमेटोज पे इस 57% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 44 out of 100। तो आज के इस वीडियो में हम ब्राइड वन मूवी की एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत सन 2006 से होती है, जहां पर हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम क्लेयर ब्लायर था और वाइफ का नाम टोरी ब्लायर था, जो कि कैंसास के ब्राइड बर्न टाउन में रहते थे और ये दोनों ही हमेशा से एक बच्चा चाहते थे, लेकिन फर्टिलिटी यूज की वजह से इनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो एक रात इनके फार्म में एक स्पेसशिप आके गिरती है और इस स्पेसशिप के अंदर एक छोटा सा बच्चा था, जो कि हमको सन 1978 की सुपरमैन मूवी की याद दिलाती है। खैर, बायर फैमिली ये फैसला लेती है कि वो इस बच्चे को पालेंगे और वो इस बच्चे का नाम ब्रेंडन बायर्स रख देते हैं। अब यहाँ से कहानी 12 साल बाद की है, जहाँ ब्रेंडन थोड़ा बड़ा हो चुका है और स्कूल में वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था। तो एक दिन ब्रेंडन अपने पिता की मदद से लॉन मूविंग कर रहा था और किसी कारण से ब्रेंडन लॉन मूविंग मशीन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। गुस्से में ब्रेंडन इस मशीन को जोर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है और अचानक वो इस मशीन को कई फीट दूर फेंक देता है। ब्रेंडन के दिमाग में अचानक से एक आवाज आने लगती है और वो मशीन के अंदर अपना हाथ डाल देता है। मशीन के अंदर हाथ डालते ही मशीन के फैन टूट जाते हैं और ब्रेंडन इसको देखकर काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि ब्रेंडन के हाथों में एक भी खरोच नहीं थी। और ये सीन हमको बताता है कि ब्रेंडन के पास सुपर पावर्स थे। ठीक उसी रात फार्म हाउस से एक लाल रोशनी आ रही थी और ब्रेंडन इस रोशनी की तरफ खींचा जा रहा था। ब्रेंडन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज आ रही थी और ब्रेंडन इस फार्म हाउस की ट्रैप डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस ट्रैप डोर के अंदर ब्रेंडन की स्पेसशिप थी और इससे पहले ब्रेंडन इस ट्रैप डोर को खोल पाता, ब्रेंडन की माँ यहाँ पे आ जाती है। टोरी के आने से ब्रेंडन एकदम होश में आ जाता है और उसको ये भी याद नहीं था कि वो इस फार्म हाउस में कैसे पहुंचा। उस इंसिडेंट के बाद ब्रेंडन अपने माता पिता के साथ रूडली बिहेव कर रहा था। ब्रेंडन के बर्थडे पे उसके अंकल नोआ और आंट मेरी ने उसको एक गन गिफ्ट की, लेकिन ब्रेंडन के पिता काइल ब्लायर का कहना था कि ब्रेंडन अभी गन चलाने के लिए काफी छोटा है। इस बात से गुस्सा आकर ब्रेंडन अपने पिता से बहस करता है और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर रखे फोक को भी चबा जाता है। और काइल इस बात को समझ पा रहे थे कि ब्रेंडन के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ब्रेंडन के रूम को क्लीन करते वक्त टोरी को कुछ अजीब सी पेंटिंग्स मिलती है और इन ड्राइंग के साथ वहां कुछ लड़कियों की सेमी नूड्स फोटो भी थी। टोरी और काइल को लगता है कि ब्रेंडन पुबर्टी हिट कर रहा है और इसी वजह से उसकी बिहेवियर चेंज हो रही है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वह फैमिली ट्रिप पे जाएंगे। कैंपेन के रात ब्रेंडन भागकर अपनी क्लासमेट कैथलीन के पास जाता है, जहां वो कमरे की खिड़की से कैथलीन को स्टॉक कर रहा था। कैथलीन ब्रेंडन को खिड़की पर देख लेती है, जिससे वो जोरों से चिल्लाना शुरू करती है, जिससे डर कर ब्रेंडन वहां से फौरन भाग जाता है। ब्रेंडन की हरकतें अजीब होती जा रही थी, क्योंकि नेक्स्ट नाइट वो फार्म के चिकन को घूर रहा था और चिकन्स डर कर एकदम आवाज कर रहे थे। क्लाइल ब्रेंडन को उसके कमरे में सोने के लिए ले जाते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि फार्म के चिकन को किसी ने बेरहमी से मार रखा है। क्लाइल श्योर थे कि ये काम ब्रेंडन का ही है, लेकिन टोरी का कहना था कि चिकन को किसी भेड़िया ने मारा होगा। उसी दिन ब्रेंडन अपने स्कूल के दोस्तों के साथ कुछ एक्सरसाइज कर रहा था, जहाँ कैथलीन उसको नहीं पकड़ती है, जिससे ब्रेंडन जमीन पर गिर जाता है। कैथलीन का कहना था कि ब्रेंडन अजीब है, क्योंकि वो उसको रात को स्टॉक कर रहा है, और इस बात से गुस्सा होकर ब्रेंडन कैथलीन की हथेली तोड़ देता है। इस घटना के बाद कैथलीन की मॉम एकदम गुस्से में थी और स्कूल के प्रिंसिपल ब्रेंडन को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। इसके अलावा ब्रेंडन को एक काउंसलिंग भी अटेंड करनी थी, जो कि उसकी आंट मेरी ही कंडक्ट कर रही थी। तो उस रात ब्रेंडन फिर से फार्म हाउस के उस ट्रैप डोर की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो एलियन लैंग्वेज में शिगारो लालम भूत बोल रहा था, जिसका मीनिंग होता है टेक द वर्ल्ड। जब टोरी फार्म में आती है, तब वो ब्रेंडन को हवा में उड़ता हुआ देखती है और फार्म का ट्रैप डोर खुला हुआ था। टोरी ब्रेंडन को फिर से होश में लाती है, जिससे वो ट्रैप डोर के अंदर गिर जाता है। गिरते वक्त ब्रेंडन का हाथ स्पेसशिप पर लगता है, जिससे उसके हाथ में कट आ जाता है। और इस सीन में हम समझ पाते हैं कि ब्रेंडन को उसके प्लेनेट की मेटल
हार्म कर सकती है। टोरिट ब्रेंडन को बताती है कि वो एडेप्टेड नहीं है। उन्हें ब्रेंडन इस स्पेसशिप में मिला था और इस बात से गुस्सा होते हुए ब्रेंडन अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है। नेक्स्ट डे ब्रेंडन वापिस से कैथलीन के घर जाता है, जहाँ कैथलीन ब्रेंडन को बोलती है कि उसकी मोम ने ब्रेंडन से बात करने के लिए मना किया है। इस बात पर ब्रेंडन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर कैथलीन की मोम काम करती थी, जहाँ ब्रेंडन कैथलीन की मोम को डरा डरा कर बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और ऐसे करते वक्त वो बहुत ही अजीब सा मास्क भी पहन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेंडन की काउंसलिंग उसकी आंट मेरी से थी और इस काउंसलिंग के दौरान ब्रेंडन काफ़ी अजीब सी बातें बोलता है। ही इज सुपरियर फॉर ह्यूमन रेस लाइक दैट। मेरिन बोलती है कि अगर ब्रेंडन अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएगा तो उन्हें पुलिस को ब्रेंडन की रिपोर्ट्स देनी होगी। इस बात से ब्रेंडन को काफ़ी गुस्सा आता है और ठीक उसी रात ब्रेंडन आंट मेरी के घर पहुंच जाता है। वो मेरिन को पुलिस से ना बात करने की सलाह देता है। ऐसे बोलते वक्त ब्रेंडन मेरिन को धमकी देता है। इतने में मेरिन के हस्बैंड नोवा वहाँ आ जाते हैं और वो ब्रेंडन को अपने क्लोजर्स में मास्क पहनते हुए देखते हैं। नोवा ब्रेंडन का मास्क निकालते हुए उससे घर ले जाने लगते हैं और ब्रेंडन उस चीज़ को रजिस्टर कर रहा था। इतने में ब्रेंडन को गुस्सा आ गया था और वह फिर से मास्क पहनकर हवा में उड़ने लगता है। ब्रेंडन नोवा की कार को हवा में उड़ाकर नीचे फेंक देता है, जिससे नोवा की मौत हो जाती है और वह नोवा के खून से अपना सिंबल वहाँ बना देता है। घर लौटते वक्त ब्रेंडन अपनी टी शर्ट उतार लेता है क्योंकि उसकी टी शर्ट में खून के दाग थे और वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है कि उसकी टी शर्ट फुटबॉल खेलते वक्त खराब हो गई थी। नेक्स्ट डे नोवा की खबर सभी को मिलती है, लेकिन ब्रेंडन को इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा था। ब्रेंडन के पिता काइल उसे मारते वक्त खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेंडन अपने पिता को जोरों से धक्का देता है। काइल अब समझ जाते हैं कि यह सब ब्रेंडन कर रहा था और वो ब्रेंडन के कमरे में जाकर उसकी पिछली रात की टी शर्ट भी ढूंढ लेते हैं जिस पर खून लगा हुआ था। काइल डिसाइड करते हैं कि वो ब्रेंडन को मार डालेंगे, इसलिए वो ब्रेंडन को अपने साथ एक रोड ट्रिप पे ले जाते हैं, जहाँ जंगलों में वो ब्रेंडन के सर पर गोली चला देते हैं। अब ऑब्वियसली ब्रेंडन को इस गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता है और बदले में ब्रेंडन अपने पिता काइल को लेजर आइस से मार डालता है। दूसरी तरफ टोरी को ब्रेंडन के रूम में उसकी किलिंग्स की ड्राइंग्स मिलती है और उस ड्राइंग में वो सिंबल भी था जो कि ब्रेंडन हर मॉडल स्पोर्ट्स पे बनाया करता था। अब तक टोरी भी समझ चुकी थी कि ब्रेंडन इज ईवल और इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करती, ब्रेंडन उड़ते हुए टोरी के घर पे अटैक करने लगता है। टोरी किसी तरह पुलिस को कॉल कर पाती है और दो पुलिस ऑफिसर्स टोरी के घर पे आ जाते हैं। ब्रेंडन इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बुरी तरीके से मार डालता है। अब वो अपनी मोम टोरी को ढूंढ रहा था। टोरी बेडरूम की खिड़की से बाहर कूद कर फार्म की तरफ जाती है क्योंकि उनको याद था कि स्पेसशिप की मेटल से ब्रेंडन को मारा जा सकता है। वो फौरन ही स्पेसशिप से एक शार्प मेटल लेके आती है और फिर वो ब्रेंडन को प्यार से अपने पास बुलाने लगती है और वो बोलती है कि वो अभी भी ब्रेंडन को प्यार करती है और ब्रेंडन भी इमोशनल होकर अपनी माँ के पास आता है। ब्रेंडन कहता है कि वो अच्छी चीज़ें करना चाहता है और ऐसा बोलकर वो अपनी मोम को हग करता है। बट टोरी तो ब्रेंडन को मारना चाहती थी और इसलिए वो इस स्पेसशिप के मेटल से ब्रेंडन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंडन टोरी के हाथ को पकड़ लेता है। ब्रेंडन फिर से एक बार गुस्सा हो चुका था और वो अपनी माँ को हवा में काफ़ी ऊपर ले जाकर नीचे गिरा देता है और जिससे टोरी की मौत हो जाती है। हवा में ब्रेंडन को एक प्लेन आता हुआ दिखता है और ब्रेंडन इस प्लेन को अपने घर पर क्रैश कर देता है, जिससे सभी को ऐसा लगे कि ब्रायस फैमिली की मौत इस प्लेन की वजह से हुई है। इस प्लेन के अंदर तकरीबन 280 पैसेंजर्स थे और इस क्रैश के अंदर वो सभी मारे गए और बस यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी के 8 क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि ब्रेंडन अब कंट्रोल से बाहर हो गया है और वो अब आसपास के सिटीज़ को तबाह कर रहा है। सभी लोगों ने उसका ब्राइटबर्न नाम रखा था और पुकार भी रहे थे। वो ब्राइटबर्न बिल्डिंग जला रहा था, जंगल जला रहा था और कई लोगों को मार भी रहा था और साथ ही में अपना सिंबल भी छोड़ रहा था। इस सीन में हम द बिग टी को रिपोर्ट करते हुए देख पाते हैं और बिग टी का कहना था कि साउथ चाइना के समुन्द्र में एक हाफ इंसान और एक हाफ सी क्रीचर शिप को डुबा रहा है और एक सुपर नेचुरल औरत रोप से लोगों को मार रही है और द बिग टी का कहना था कि ये सब ब्राइटबर्न से लिंक है और ये लोग हमारे प्लेनेट अर्थ से नहीं है और बस एन क्रेडिट सीन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द ब्राइटबर्न मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।